बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नमान कयूम, तुसी देखते पे हो गंदारा हिंको टीवी। आज दी ताज़ा खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हर त्रै महीने बाद वफाकी काबीना ते इदारियां दी कारकर्दगी दा जायजा इजलास बुलाने दा फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म दी ज़ेरे सदारत हुकूमत दे 100 दिन मुकम्मल होने दे बाद वफाकी वज़ीरां, वज़राए मुमलिकत ते मशीरां दी कारकर्दगी दा जायजा लेने वास्ते काबीना दा खसूसी इजलास मुनक्किद होया। इजलास गुज़श्ता 3 महीनियां दी सर्विस डिलीवरी ते किफायतशुमारी इकदामात समेत वफाकी वज़ारतां ते इदारा जाती कारकर्दगी बेहतर बनाने दी मुख्तलिफ तजावीज़ां ते जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने किया वे कि इदारियां दे हवाले नाल किसी दा रहना या ना रहना मानी नहीं रखता। मैं रवां ना रवां ये इदारा बरकरार है, मेरे बाद आने वाले मेरे से ज़्यादा अच्छे हों। उन्होंने किया कि डैम मुहिम दे हवाले नाल बड़ी मुहब्बत मिली है, डैम साड़ी बका ते आने वाली नस्लों वास्ते जरूरी हो चुका है। बैंकिंग कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी ते इन्हां दी भैन फरियाल तालपुर दी मनी लॉन्ड्रिंग केस विच अबूरी जमानत 21 दिसंबर तक तौसी कर दी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद समेत दीगर मुलजिमान मनी लॉन्ड्रिंग केस विच बैंकिंग कोर्ट विच पेश हुए। इस मौके ते पीपल्स पार्टी दी मरकरी सैकटरी इतलात नफीसा शाह भी मौजूद है। अदालत ने मुलजिमा दी अबूरी जमानत 21 दिसंबर तक तौसी कर दी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाजिया किया है कि हक पाकिस्तान ते भारत के दरमियान मुजाकरात के अलावा अमन का कोई दूसरा रस्ता नहीं गा। पाकिस्तान अफगानिस्तान इच पायदार अमन चाहता है, खिते दे दीगर मुल्कां दे नाल मिल के अफगानिस्तान इच कयाम अमन वास्ते सियासी हल तलाश करने पया। वाबदा ने दिया मीर भाषा ते मोमन डैम्स की तामीर वास्ते अपने वसाइल से 98 अरब रुपए मुहैया करने दे फैसला कर लिया है। भाषा डैम से तकरीबन 1500 अरब रुपए लागत आसी, जबकि मोमन डैम से लागत का तखमीना 309 अरब रुपए भी। डैम्स वैसे वापडा ने अपने वसाइल से 98 अरब रुपए देने का फैसला किया है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने किया है कि 100 दिन इस खाली शक्ल ही बदलियां, वड़े वड़े वादे हुकूमत के गले की हड्डी बन गए। उन्होंने किया कि हुकूमत से वाबस्ता अवामी तवक्कोआत पूरी नहीं हुई, हुकूमत को वोट देने वाले मायूसी का शिकार हूँ। हुकूमत ने महंगाई घट करने का वादा किया आया तो अज ये हालात उनके बाकी सारी चीज़ा तो महंगिया हूँ, खाली रुपया ही सस्ता होया है। मुस्लिम नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने किया वे कि हुकूमत फीते कटने वास्ते साढ़े मनसूबे चोरी कर दी पई है। मीडिया नाल गल करते दौरान उन्होंने किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इसाकदार के दस्तखत शुदा मुआहदे वजीर आजम इमरान खान ने चोरी करके आपड़े बना लेते हूँ। हुकूमत ने सियालकोट की कारकर्दगी दिखाने वास्ते शहबाज शरीफ की तख्ती हटा के इमरान खान की तख्ती लगा दी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने यकीन दिवाया है कि पिशोर के लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों से हल किए जा सकन। BRT दी पहले से तयशुदा वक्त से तकमील से बिजली ते गैस के मसाइल नु मुस्तकिल बुनियादों से हल करना सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीहात शामिल है। वजीर आला ने किया कि साढ़े सूबे का 10% अपने वसाइल से 90% वफाकी वसाइल से NSR है। साड़ी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अपने वसाइल पैदा करके सूबे को खुद कफील बनाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने किया वे कि बदनवानी के खात्मे वास्ते मुश्तरका जदोजहद करनी होसी, करप्शन रोकने वास्ते अजम दे नाल इखलाकी और मजहबी मयार यकीनी बनाना जरूरी है। नायब खैबर पख्तूनख्वा दे जेर तमाम मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर ने किया कि करप्शन ही मुल्क की तरक्की सबसे बड़ी वड़ी रुकावट है। गंदारा हिंको अकैडमी के जेर तमाम पिशोर दी यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां दे हिंकोवान अकैडमिक स्टाफ वास्ते खसूसी नशिश दा इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत गंदारा इनको बोर्ड के जनरल सैकटरी मुहम्मद जियाउद्दीन ने की थी। उन्होंने किया कि जुबान साड़ी शनाख्त का जरिया वे ते जिसकी अहमियत से इनकार मुमकिन निंगा। गंदारा इनको बोर्ड ते गंदारा इनको अकैडमी गुज़श्ता 25 साल से इनको समेत दीगर इलाकई जुबाना की तरवीजों तरक्की वास्ते कम पे कर दें। इजलास के शुरका ने गंदारा इनको अकैडमी की कारकर्दगी सराहते हुए किया कि इनको जुबान की तरवीजों तरक्की गंदारा इनको बोर्ड के जनरल सैकटरी मुहम्मद जियाउद्दीन की अंथक मेहनत से खिदमात नू फरामोश नहीं किया जा सकता। इजलास के शुरका ने 7वीं आलमी इनको कॉन्फ्रेंस गंदारा इनको अकैडमी नाल मुकम्मल तावन दी भी यकीन दहानी कराई। इस दे नाल ही अज दी खबरां खत्म हुई, नवी खबरां नाल वध मिलसियां। अल्लाह हाफिज़।